हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केटी कैंपस में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मेरा रेगुलर एफर्ट आपके साथ है, आपके बेस्ट के लिए है, आपके फ्यूचर के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं बार बार ये ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ एवरी डे मैं उसमें चेंज लाता हूँ। जैसे अब हमारा जो ऐप का जो हमारा अभी जो ट्रिक है वो ये है कि अब आपको आज से इस वीडियो से आपको ये चीज़ मिलेगी कि जैसे आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ वन वर्ड भी मैं लेके चलूँगा। तो मैं वो वर्ड रखूँगा जो हमारे पिछले एग्जाम्स में आते हैं और आए हुए हैं और आने वाले कल में भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसा कि आपको बोर्ड भी दिख रहा होगा यहाँ पे डेमेगॉग। अब अगर आप वाकई में कॉम्पिटिशन में बैठते होगे तो आपको एक चीज़ ज़रूर मालूम होगा कि डेमेगॉग एक ऐसा वर्ड है जिसमें ये जो कहता है वो ये वो काम करता है जैसे एसएससी के सारे कॉम्पिटिशन में डेमेगॉग पूछा है। आप यूपीएससी देखेंगे वहाँ भी पूछा है, एयरफोर्स देंगे वहाँ भी पूछा है। तो डेमेगॉग इसको वन वर्ड में भी देता है, इसका सिनोनिम्स भी क्यों ना हम इसको बेहतर तरीके से जान लें, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे आज का पहला वर्ड हमारा डेमेगॉग है। तो ये डेमेगॉग जो बना हुआ है ना, इसके रूट वर्ड की तरफ हम चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा जो ट्रिक है वो हम आपको कई तरीके से लेके चलेंगे। अगर इसके रूट वर्ड की तरफ हम जाते हैं, इसके रूट वर्ड में अगर हम देखेंगे तो एक वर्ड होता है डेमो, एक डेमो और एक गॉग, ये हो गया, राइट? अगर आप डेमो की बात करें तो डेमो जो बना हुआ डेमो से बना है और डेमो का मतलब पब्लिक होता है। आपको पता है कि डेमो का मतलब पब्लिक होता है। और गॉग का मतलब होता है, इसका मतलब होता है ट्विस्ट करना, तोड़ना या भड़काने की बात करता है। आप देखेंगे इसका भड़काना भी होता है या ऐठना भी होता है, ऐसे ये ऐठना हो जाएगा, ये ऐठना भी हो जाएगा ऐसे, या मोड़ना भी हो जाएगा या तोड़ना भी हो जाएगा। तमाम मीनिंग इसकी है। इसके रूट वर्ड की तरफ जाएंगे अगर गॉक के, तो गॉक की ये कई सारी मीनिंग हिंदी में आती है, ठीक है। तो अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये डेमेगॉग बन गया। तो आपके एसएससी ने और यूपीएससी ने और बाकी सभी कॉम्पिटिशन ने डेमेगॉग को जब भी पूछा है ना, तो मैक्सिमम वन वर्ड में पूछा है। तो मुझे लगा यार चलो मैं वन वर्ड भी अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ और इससे उनका वोकैब्स भी अच्छा हो जाएगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी ठीक हो जाएगा। तो मैंने कहा ना कि हमारा प्रयास डेली, हमारा एफर्ट डेली आपके लिए बेस्ट करने का होता है, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो डेमेगॉग ये हो गया डेमो से बना और गॉग से बना। डेमो डेमो से बना हुआ है, गॉग का मतलब होता है भड़काना, ऐटना, मोड़ना या तोड़ना होता है। अब पता है आपके अगर ऐसे पूछेगा वन वर्ड में कि वन हु स्वेज, स्वे का क्या मतलब होता है? स्वे का मतलब होता है रास्ते से हटाना, यानी वन हु स्वेज द कॉमन पीपल। कॉमन पीपल का मतलब हुआ, अब ये वन कौन होता है पता है आपको? बता दें ये लीडर के लगा होता है, अ लीडर, ये अ लीडर के साथ यूज होता है, यानी एक ऐसा नेता जो स्वेज करता है यानी भड़काता है किसे? आम जनता को, कॉमन पीपल को, आम जनता को भड़काता है किसी के खिलाफ। गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकता है या फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ भी हो सकता है, मिल के मालिक के खिलाफ भी हो सकता है, आम जनता के लिए हो सकता है, रिलीजियस पॉइंट ऑफ कंसर्न से भी वो डेमेगॉग हो सकता है। यानी ऐसा बंदा जो किसी कॉमन पीपल को, इनोसेंट पीपल को भड़काता है किसी के खिलाफ, अगेंस्ट द समबडी, तो उसे डेमेगॉग कहा जाता है। तो अगर ये आ गया कि अ लीडर या वन, अ लीडर हु स्वेज द कॉमन पीपल का क्या हो जाएगा इसका? वन वर्ड डेमेगॉग हो जाएगा। तो एक चीज क्लियर हो गया ना कि डेमेगॉग क्या हुआ। पहली बात तो आपने लर्न किया कि हमारे वन वर्ड में पूछता है, और दूसरा जब देखिए डेमेगॉग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी जो 8 लेटर्स है ना, ये हमारा प्रयास है कि आपको ये जो 8 लेटर्स है ना, इन सबका सिरो एक ही निकले, ठीक है। सिरो यानी इसका पर्यायवाची एक ही निकले। अब डी फॉर तो डेमेगॉग हमेशा है, ठीक है, ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इससे ई से भी जो निकलेगा, जैसे ई फॉर इंथुजियास्टिक होता है, अब इंथुजियास्टिक आप बैड सेंस में भी यूज कर सकते हैं, गुड सेंस में भी यूज कर सकते हैं। इंथुजियास्टिक का मतलब जोश को पैदा करना, जोश को पैदा करने वाला। अब ये किसी के अगेंस्ट भी हो सकता है और किसी के फेवर में भी हो सकता है। तो इंथुजियास्टिक वो पर्सन होता है जो किसी को एक्साइट करता है अगेंस्ट समबडी और इन फेवर ऑफ समबडी। तो यहाँ जो डेमेगॉग का सेंस होता है ये हमेशा बैड सेंस के लिए होगा। तो डेमेगॉग एक ऐसा लीडर होता है जो क्या करता है, कॉमन पीपल को क्या करता है, वो स्वे करता है, यानी स्वे यानी स्वेज करता है, उनको भड़काता है अगेंस्ट द
somebody किसी के खिलाफ, नेता के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो वो डेमेगॉग, तो ई फॉर एंथुजियास्टिक हो गया। एम से माल कंटेंट हो गया। मैंने आपको बताया कि माल का मतलब, एक बात याद रखिएगा, एम ए एल माल का मतलब गंदगी होता है, हमेशा दिमाग रहेगा, ये माल हमेशा बैड सेंस में यूज होता है, इसी से मैलिग्नेंट बना है, तो मैलिग्नेंट वो होते हैं जो नीच किस्म के लोग होते हैं, तो माल का मतलब गंदा, नीच, दुष्ट जिसे कहा जाता है। अब कंटेंट का मतलब होता है, आपको पता है कि कंटेंट जो उसके जो चीजें होती है वो कंटेंट में आती हैं, यानी ऐसा कंटेंट जो गंदगी भरा हो, इसीलिए इसको बागी कहा जाता है। बागी का मतलब कि विद्रोही होता है, यानी ऐसा बंदा जो किसी के खिलाफ विद्रोह करता है, लोगों को विद्रोही बनाता है, तो वो माल कंटेंट होता है। तो कैसे दिमाग में रखेंगे, एम ए एल, एक होता है एम ए डबल एल, वो माल मीन्स बड़ा ह्यूज होता है, लेकिन एम ए एल अगर होगा तो इस माल का मतलब होता है गंदा, नीच, दुष्ट होता है, ऐसा दुष्ट जो कंटेंट पैदा करता है, यानी क्या करता है, वो गंदगी चीजें लोगों के दिमाग में भरता है, उसको ठूसता है, इंसल्ट करता है। ऐसे हो गया हमारा एजिटेटर। एजिटेटर का मतलब ये होता है, ये विद्रोही होता है, आपको पता है कि ये वो होता है जो विद्रोह, किसी के खिलाफ विद्रोह करता है, तो ये एजिटेटर जो होता है ना, वो डेमेगॉग का काम करता है, यानी क्या करता है, ये लोगों को भड़काता है किसी के खिलाफ। फिर गरिला एक वर्ड आता है, जी यू ई आर आर आई डबल एल ए, दिमाग में रखिएगा। तो ये जो गरिला होता है, ये छापेमार होता है, यानी छापेमार का मतलब कि ऐसा जो होता है जो लोगों को भड़काता है और छापा डालता है किसी के खिलाफ, ठीक है, तो वो गरिला हो गया। ऑब्जेक्टर का मतलब विरोधी, आपको पता है कि ऑब्जेक्टर वो होता है जो हमेशा ऑब्जेक्शन को क्रिएट करता है, ऑब्जेक्शन पैदा करता है लोगों के बीच। फिर आपने देखा कि ग्रैंड स्टैंडिंग, क्या जबरदस्त वर्ड है ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड भी शानदार होता है, स्टैंडिंग का मतलब होता है समझ। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं, अब एक बंदा जो सबको एक एक प्लेटफॉर्म पे लाता है और वो डेमेगॉग बन जाता है और किसी के खिलाफ क्या करता है, भड़काता है, तो यानी उसकी जो स्टैंडिंग हो गई ना लोगों के बीच, बड़ी ग्रैंड यानी शानदार हो गई, तो जी फॉर ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब कि उसकी स्टैंडिंग लोगों के बीच बहुत शानदार है, अब ये कहकर तो लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं, तो अब वो क्या हो गया लोगों के बीच, डेमेगॉग हो गया, यानी ऐसा नेता जो लोगों को भड़काने का काम करता है, तो उसकी स्टैंडिंग लोगों के बीच ग्रैंड होगी, तो वो ग्रैंड स्टैंडिंग हो जाएगा। यू फॉर अर्जर होता है, अर्ज का मतलब प्रेरित करना होता है, ठीक है, तो अर्जर का मतलब उकसाने वाला होता है, और यू फॉर अर्जर हो गया। ई फॉर एक्सपोनेंट हो गया, यानी सारी चीज एक्सपो करता है, एक्सपोनेंट निकालता है, यानी क्या हो, जैसे मान लिया किसी के खिलाफ जनता को भड़काता है, तो उसकी उसकी चीजें उसको एक्सपोज करता है, जनता के बीच एक्सपोज करता है, तो सारे कंटेंट उसके उन जनता के बीच डालता है, अब जनता क्या होती है, स्वेज हो जाती है, यानी जनता भड़क जाती है। तो बच्चों आपको पता हो गया कि मैंने डेमेगॉग क्या किया, मेरा दो प्रयास था, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छा से अच्छा आपके लिए करूं, तो डेमेगॉग को दो तरीके से यूज करेंगे, एक वन वर्ड में जब यूज करेंगे, तो वन वर्ड में हमेशा पूछता है कि अ लीडर हु स्वेज द कॉमन पीपल, ठीक है, ऐसा नेता जो आम जनता को भड़काता है किसी के खिलाफ, एक तो हमारा वन वर्ड हो गया, और दूसरा ये हो गया कि डेमेगॉग की ये जो हमारे लेटर्स आपको दिख रहे हैं, जितने भी वर्ड हैं, ये डेमेगॉग का ही सीनो देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलते हैं। आज का हमारा जो दूसरा वर्ड है वो साइनासियोर है। आप कहोगे सर ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि आपके कंपटीशन में साइनासियोर दिया, मैं जितने भी वर्ड पे डिस्कशन कराऊंगा ना, तो मेरा टारगेट यही है कि वो वन वर्ड की तरफ भी आपको लीड ले जाऊं, और आपको आपका वोकैब्स भी अच्छा हो जाए, ठीक है, आपका सीनो भी अच्छा हो जाए। अगर आप मेरे वीडियोस को कंटिन्यू देखेंगे ना, तो निश्चित तौर से मेरा आपसे मतलब प्रॉमिस है कि आपका वोकैब अच्छा जरूर हो जाएगा। आप दो चीज़, वन टाइम यू आर गेटिंग द टू टाइप्स ऑफ द नॉलेज, फर्स्ट इज द वन वर्ड सब्जेक्ट, यू आर इम्प्रूविंग योर वन वर्ड सब्जिटिशन, एंड सेकेंड इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सिनोनिम्स, आपका वर्ड भी अच्छा हो रहा है, सिनोनिम्स वोकैबुलरी भी आपका अच्छा हो रहा है, आपका वन वर्ड भी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो बहरहाल देखिए, आपका साइनासियोर हो गया। अब ये साइनासियोर का क्या मतलब होता है, आकर्षण बिंदु, ऐसा बंदा जो आकर्षण का केंद्र होता है, यानी अट्रैक्शन, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। साइनासियोर का मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी सब बार बार आप सियोर होंगे उसके साइन की तरफ, यानी बार बार उसके आकर्षण की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वन वर्ड में पूछेगा अगर कि वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ऐसा बंदा जो आकर्षण का केंद्र होता है, सभी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, सपोज शाहरुख खान आ गया, तो सभी लोग उसके उसको देखने, उससे मिलने की तरफ बार बार अट्रैक्ट होंगे। अक्षय कुमार आ गए, उनकी तरफ बार बार लोग देखने की तरफ उसको उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अगर वो आ गए तो उनसे हम मिलने को, उनकी तरफ देखने को या उनसे मिलने को, यानी ये तमाम चीज़ें हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब वो साइनासियोर हो गया। सो दैट पर्सनैलिटी, वो जो पर्सनैलिटी होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द साइनासियोर,
सनेसर एक नाउन है जो क्या करता है, दैट अट्रैक्ट्स द पब्लिक टुवर्ड्स हिमसेल्फ या वनसेल्फ, ठीक है, ही एंड शी कैन बी आल्सो, राइट। तो कोई भी मान लिया एक्ट्रेसेस आ गई, उनको आप बार बार देखते हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, तो दैट एक्ट्रेसेस विल बी सिनेस्योर और दैट एक्टर विल आल्सो बी द सिनेस्योर। तो ये वन वर्ड में हमारा आता है कि वन हु इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए वन आया ना, इसमें लेडी एंड जेंट्स कोई भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसे नहीं, लाइफलेस चीजें भी यहाँ हो सकती है जिसकी तरफ आप बार बार खींचते हो, बार बार उधर जाते हो, तो दैट विल बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। तो ये जो सिनेस्योर होता है, ये लेडीज, ये हमारे लिविंग के साथ भी हो सकता है और लाइफलेस ऑब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है। तो चलिए, ये तो हमारा वन वर्ड हो गया। दूसरा, अब यहाँ पे हमारा वोकैब्स हो गया। आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारे लेटर्स हैं। ये जो 8 लेटर्स बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, इस 8 लेटर्स से जितने भी वर्ड बन रहे हैं वो सब सिनेस्योर का सेंस देंगे, कहीं ना कहीं उसको उसी तरफ ले जाएंगे, उसका सिनो कहीं ना कहीं वही निकलेगा। आप देखिए कैसे, सी फॉर सिनेस्योर हो गया, तो हो गया क्लियर। अब यमी क्या है, यमी का मतलब बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतरीन, लजीज, स्वादिष्ट, यमी, ठीक है। तो यमी आपको मैं आपके एक मैं पिछले वीडियोस मेरे वोकैब्स की देखिएगा, पहले या दूसरा वीडियो मैंने बनाया था वोकैब का, उसमें मैंने यमी दिया था। यमी का मतलब अट्रैक्शन होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत स्वाद में भी अच्छा होता है, जिस भी तरीके से आप इसे जाने, तो वाइफर यमी होता है, ठीक है। एन फॉर नेक्सस या न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ, आपने देखा न्यूक्लियस में बार बार इधर सेंटर की तरफ खींचते आप हैं, यानी आपका ध्यान बार बार आपके न्यूक्लियस की तरफ जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, तो एन फॉर न्यूक्लियस है, नेक्सस हो जाएगा, राइट। ओ फॉर क्या हो जाएगा, आर्म फ्लॉस, ये एल है बच्चे, याद रखिएगा, ये आर्म फ्लॉस हो गया, ओ एम पी एच एल ओ एस होता है, ये आर्म फ्लॉस हो गया, ठीक है। अच्छा, एस फॉर सीट हो गया, आप सीट पे क्या, सीट का सेंटर होता है, यहीं आप बैठते हैं, ऐसा थोड़ा कि सीट यहाँ आप यहाँ बैठ जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं, यहाँ बैठ जाएंगे ऐसा होगा नहीं, यहाँ बैठ जाएंगे ऐसा नहीं होगा, सीट हमेशा आपको सेंटर की तरफ लाता है और सीट हमेशा बीच में रहता है, तो सीट जो हो गया वो हमें, आप सीट के सेंटर में आप बैठते हो, इसलिए सीट वर्ड यहाँ से एस फॉर सीट हो गया। ये मेरा प्रयास बार बार होता है कि मैं आपको आपके वोकैब्स को अच्छे से अच्छा स्ट्रांग करूं, ठीक है। क्योंकि बच्चे याद रखिए, अगर आपका वोकैब अच्छा है ना, तो आपकी किसी भी कंपटीशन में आपको कहीं भी डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकती, और आपकी इंग्लिश, आपका स्पोकन भी अच्छा हो सकता है, और आपका आप पैसेज भी अच्छा कर सकते हो, क्लोजेस भी अच्छा कर सकते हो, एरर भी अच्छा होगा। और अगर आप आपका वोकैब मतलब कि वीक है ना, तो आप किसी भी कंपटीशन में क्वालिफाई नहीं हो सकते। मैं आपसे बिल्कुल ये चैलेंज करता हूँ कि आप नहीं कर सकते। तो ओ फॉर आर्म फ्लॉस हो गया, एस फॉर सीट हो गया, यू फॉर अल्टीमेट हो गया, अल्टीमेट यानी अंततः, अंतिम में आप बार बार वही जा रहे हो, बार बार वही सोच रहे हो, बार बार, जैसे आप कभी कपड़े लेने गए तो एक कपड़ा अगर आपको पसंद आ गया ना, तो अब आप अल्टीमेट उसी को सोचोगे, बहुत सारे कपड़े वो बार बार दिखाएगा ना, लेकिन आप बार बार अल्टीमेट 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 आप उसी के बारे में सोचेंगे और वही कपड़ा आप परचेज कर लेंगे, तो वो यू फॉर अल्टीमेट हो गया, राइट। आर फॉर रूट हो गया, रूट का मतलब जड़ होता है, केंद्र होता है, सेंटर होता है, तो आर फॉर रूट हो गया। ई फॉर इसेंस होता है, आपने देखा होगा ना कि इसका इसेंस क्या है, यानी इसका क्या सार है, इसका केंद्र बिंदु क्या है, नहीं कहते हैं यार ये जो पैसेज है इसका इसेंस बताओ, अपने लेक्चर का इसेंस बताओ, यानी मेन मकसद बताओ, यानी मेन सेंटर बताओ, मेन केंद्र बताओ, वाकई में मेन बिंदु क्या है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये हमारा इसेंस होता है, ई डबल एस ई एन सी ई, इसी को एपी सेंटर भी कहा जाता है, हमारे अर्थ का जो एपी सेंटर होता है उसका केंद्र बिंदु क्या होता है, तो ई फॉर एपी सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सिनेस्योर हो गया, जिसका मतलब होता है आकर्षण का बिंदु। तो सिनेस्योर दो तरीके से पूछता है, वोकैब में पूछ सकता है, तो ये सारे वोकैब हैं, वन वर्ड में पूछेगा तो आप इस तरह से करेंगे, ठीक। ये हमारा सेकंड वर्ड आपके बीच था। चलें, अब हमारा ये तीसरा वर्ड आपको, आप देखेंगे सर वो सारे वर्ड आप दे रहे हो जो हमारे वन वर्ड में आते हैं, मैक्सिमम है। अब एग्नोस्टिक तो आपके लिए शायद ये अनजाना नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक एथीस्ट होता है जो भगवान को मानते हैं, एक एथेइस्ट होता है जो भगवान को नहीं मानते हैं, और एक एग्नोस्टिक होते हैं, ये संशयवादी होते हैं, ये कहते हैं कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, यानी ये डाउट करते हैं, दे डाउट। इसीलिए लिखा है कि द पर्सन या वन हु इज नॉट श्योर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, कभी कभी पूछता है कि वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी ऐसा बंदा जो भगवान के अस्तित्व पे शक करता है, यानी संशयवादी हो, इसीलिए लिखा संशयवादी। फिर कहते रहा हूँ कि हमारा जो तीसरा वर्ड है ये एग्नोस्टिक, ये हमारे कॉम्पिटिशन में कई बार पूछा है, इसको कैसे दिमाग में रखें, एक थीस्ट होता है जो भगवान को मानता है, एक एथेइस्ट होता है जो भगवान को नहीं मानता है, एक एग्नोस्टिक होता है, तो एग्नोस्टिक वो होते हैं जो संशयवादी होते हैं, ये शक करते हैं भगवान पे, दे डाउट इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और द रिलीजन, ये धर्म या
भगवान पे शक करते हैं। इसीलिए लिखा है नॉन रिलीजियस होते हैं। नॉन रिलीजियस का मतलब कि कहते हैं देयर इज आई डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड आई डोंट बिलीव इन गॉड, सो व्हाई शुड आई वर्शिप, क्यों मैं पूजा करूं। इसीलिए इनको कहते हैं एन फॉर नॉन वर्शिपर या एन फॉर नॉन रिलीजियस होते हैं। क्यों दोनों को इन्वॉल्व किया गया, तो एग्नोस्टिक वो होते हैं जो नॉन रिलीजियस भी होते हैं। दे डोंट बिलीव इन रिलीजन एंड दे डोंट वर्शिप, एंड दे डोंट वर्शिप इट मीन्स दे डोंट बिलीव इन गॉड। तो इसीलिए लिखा है कि वन हु डाउट्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसे लोग जो भगवान के अस्तित्व में शक करते हैं, धर्म के अस्तित्व में शक करते हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों को एग्नोस्टिक कहा जाता है। तो अब देखिए ऐसे ए फॉर एग्नोस्टिक हो गया, टी हमारा वन वर्ड आपका एक क्लियर हो गया होगा, ए फॉर एग्नोस्टिक हो गया, जी फॉर गॉडलेस हो गया। गॉडलेस का मतलब कि गॉड मीन्स भगवान और लेस मीन्स नहीं, यानी नहीं कहते, कहते कि यार पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है। एन फॉर अभी बताया कि नॉन वर्शिपर या नॉन रिलीजियस होते हैं। ओ फॉर अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, ये हमेशा अवसरवादी होते हैं, ना 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 ये भगवान भगवान को नहीं मानते, धर्म वर्म नहीं, जो अवसर मिला अवसर पे ध्यान देते हैं, दुनिया के मटेरियलिस्टिक होते हैं, सिर्फ दुनिया पे ध्यान देते हैं, ना भगवान को मानते हैं ना धर्म के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अच्छा एस फॉर जो होते हैं सेप्टिक, अब देखिए दो चीज़ आप देखें, एक सेप्टिक है, एक ये भी सेप्टिक है और ये भी सेप्टिक है। ये जो सेप्टिक होते हैं ना ये संशयवादी होते हैं, यानी ये संदेहवादी होते हैं, शक करते हैं। तो ये भी वर्ड आपका स्पेलिंग में सही है और ये भी स्पेलिंग आप सही है, दोनों में आप कंफ्यूज ना होइएगा, एस के ई से भी हो सकता है और एस सी ई से भी हो सकता है। इसी को निहिलिस्ट कहा जाता है, निहिलिस्ट वो लोग होते हैं जो नश्वर, यानी क्या करते हैं वो संशयवादी, वो नहीं मानते भगवान को, तो निहिलिस्ट होते हैं, यानी वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दे आर द निहिलिस्ट फेलो, वो सेप्टिक शक करते हैं, वो सेप्टिक होते हैं। टी फॉर टेम्पोरल, टेम्पोरल मीन्स सिर्फ क्या विश्व को मानते हैं, विश्व को मानते हैं। टेम्पोरल एक होता है, एक आपको पता है कि जो फिजिकल लव हो गया ना वो टेम्पोरल लव होता है, ठीक है, एक इंटरनल लव होता है। ट्रू ब्यूटी में आपने पढ़ा होगा, कहते हैं कि एक हमारा एक फिजिकल ब्यूटी होता है उसको टेम्पोरल ब्यूटी कहा जाता है, और एक हमारा ऐसा ब्यूटी होता है जो मन का होता है, तो वो हमारा उसे अलग कहा जाता है। तो टेम्पोरल का मतलब वैश्विक होता है, तो जब विश्व से जुड़ा होगा सिर्फ विश्व में ध्यान देगा, ना धर्म पे ध्यान देता है, ना भगवान को मानता है, तो ना भगवान पे कोई यकीन करता है, ना धर्म पे कोई यकीन करता है, शक करता है, उस पे संशय करता है, तो टेम्पोरल होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आई फॉर इनफिडल होता है, तो इनफिडल वो लोग होते हैं जो बहुत ही सन की पागल किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। इनफिडल वो होते हैं, ये उस जमाने की बात है कि जब ये इनफिडल वो हुआ करते थे जो अगर किसी धर्म के लोगों को पाते थे तो उन्हें जिंदा जला देते थे, ना धर्म को मानते थे ना भगवान को मानते थे, भगवान की बात करने वाले भी लोग ये नहीं हुआ करते थे। और सिनिकल का मतलब सिनिक होते हैं, सिनिक का मतलब सन की किस्म के लोग होते हैं, ठीक है। तो हमारा बच्चे तीसरा वर्ड था जिसे एग्नोस्टिक कहा गया, राइट। तो ये तीन वर्ड हमारे आपके लिए अच्छे हो गए होंगे। तो एग्नोस्टिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और एग्नोस्टिक के हमारे जो लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लेटर से अगर आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे और डेली प्रैक्टिस किया करें बच्चे, आपका वोकैब यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चले भाई, आज का हमारा फोर्थ जो वर्ड है जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा पूछा है वो एम्बिडेक्स्ट्रस है। एम्बिडेक्स्ट्रस के बारे में आपको पता होगा कि दो इसके रूट वर्ड हैं, एक एम्बी रूट वर्ड है और एक डेक्स्ट्रस रूट वर्ड है। एम्बी मीन्स दो होता है और डेक्स्ट्रस का मतलब एबल, यानी एफिशिएंट, यानी ट्रेंड, यानी एक्सपर्ट। डेक्स्ट्रस मीन्स एक्सपर्ट और एम्बी मीन्स बोथ, यानी अ पर्सन हु कैन हैंडल बोथ सिचुएशन। ये दो आएगा, जैसे आपने थ्री इडियट मूवी देखा होगा, उसमें एक बंदा होता है जो अपने दोनों हाथों से लिखता है। अभी हमारे एक एक्टर जो मरे हैं, सुशांत उनका नाम रहा होगा, ऐसे कुछ था, वो भी दोनों हाथों से लिखते थे। आपको नहीं पता होगा वो दोनों हाथों से एक्सपर्ट था, वो एम्बिडेक्स्ट्रस था। थ्री इडियट का मूवी आपने देखा था, वो दोनों हाथों से लिखता था। तो एम्बी मीन्स बोथ और डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कुशल, ऐसा बंदा जो दोनों हाथों से ईजिली लिखे, यानी वन हु कैन यूज बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम, ठीक है। एक ऐसा बंदा जो अपने दोनों हाथों का यूज करता है एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड। ये वन वर्ड में कभी भी आया तो ऐसे लिख के आएगा, अगर पूछा कि वन हु कैन यूज हिज बोथ हैंड एट ईज, एट ईज का मतलब आसानी से, दोनों हाथों को एक ही समय में आसानी से यूज करने वाले बंदे को एम्बी डेक्स्ट्रस कहा जाता है। एम्बी फिर बता दे रहा हूँ, एम्बी मीन्स बोथ
और डेक्स्ट्रस मीन्स कुशल, ऐसा बंदा इतना कुशल है कि अपने दोनों हाथों का यूज करता है, ही कैन यूज हिज बोथ हैंड्स एट द सेम टाइम विद स्पीड, यानी एट ईज हो गया, वन हु कैन यूज हिज बोथ हैंड्स एट ईज एट द सेम टाइम को एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो वन वर्ड हमारा हो गया, अब इसमें जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12 लेटर्स है, अब आपने बच्चों देखा कि एक बार में आपको 12 लेटर्स के साथ 12 वर्ड आ गए जो इसका सीन दे रहे हैं, है ना, आसान आसान हो जाएगा, मैंने आसान किया, और आपको और भी आप आगे मेरा वीडियो देखते रहिएगा और मेरा केटी कैंपस जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने कमेंट भी दीजिएगा बच्चों कि सर और किस तरह से बेहतर करें, हम आपके लिए हाजिर हैं, हमेशा आपके बेहतर के लिए करेंगे। तो देखिए यहाँ से ए फॉर एम्बीडेक्स्ट्रस हो गया, ए फॉर एम्बीडेक्स्ट्रस ये तो हो गया, एम फॉर मास्टरफुल, अब देखिए मास्टर से मास्टर का मतलब होता है कि एक्सपर्ट बंदा, यानी ऐसा बंदा जो मास्टर का फुल है, यानी पूरी तरह से मास्टर है किसी भी हुनर में, इसको एक बी से ब्रिलियंट हो गया, ब्रिलियंट बहुत ही कुशाग्र हो गया, देखिए कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव की तरफ ले जाएगा, यानी बहुत प्रबल हो, बहुत कुशाग्र हो, बहुत इंटेलिजेंट हो तो ब्रिलियंट के संज्ञान में यूज करेंगे। आई फॉर इंजेनस होता, इंजेनस वो लोग होते हैं जो बहुत चतुर चालाक होते हैं, बहुत धूर्त किस्म के होते हैं, बहुत चतुर और चालाक होते हैं, ठीक है, तो उसे इंजेनस कहा जाता है, स्पेलिंग देंगे आई एन जी ई एन आई ओ यू एस होता है। डी फॉर डेफ्ट होता है, इसमें मैं एक मिनट आपको लेता हूँ, एक डी ए एफ टी होता है और एक डी ई एफ टी होता है, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, अगर डी ए एफ टी होगा तो इसका मतलब हो जाएगा मूर्ख और डी ई एफ टी हो जाएगा तो इसका मतलब चालाक या चतुर या योग्य हो जाएगा, ठीक है, ये डेफ्ट है और ये डेफ्ट है, तो इस डेफ्ट से डी फॉर डेफ्ट हो गया, ए फॉर एसनिन हो गया, एफ से फाटुअस हो गया और टी से टम्फूल हो गया, मेरा पिछला वीडियो देखिएगा उसमें मैंने ये आपको समझाया है, पहला या दूसरा वीडियो में आपको ये जरूर मिल जाएगा। तो डेफ्ट का मतलब मूर्ख होता है और इस डेफ्ट का मतलब कुशल योग्य या चतुर या चालाक होता है, इंजेनस जिसे कहा जाता है, धूर्त किस्म के लोग होते हैं, चतुर चालाक होते हैं, तो डी फॉर डेफ्ट हो गया, ई फॉर एक्सपर्ट हो गया, बताने की जरूरत नहीं है, एस से जेनियल हो गया, जेनियल मीन्स महान होते हैं, महान यानी बहुत ही एक्सपर्ट बंदा, जेनियल जेनियल एक्स ई एन आई एल महान या एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है। टी फॉर ट्रिकिस, ट्रिक टी आर आई सी के, ट्रिक को पैदा करने वाला बंदा ट्रिकिस होता है, राइट। आर से रिसोर्सफुल, सारा संसाधन उसके पास है, कोई कमी नहीं है, ही कैन हैंडल बोथ सिचुएशन, वो रिसोर्सफुल हो गया। ओ से ऑब्लिक हो गया, ओ बी एल आई क्यू यू ई है, क्यू यू ई याद रखिएगा। यू से अंडर हैंडेड, यानी उसके हैंड में सारी चीजें, वो अंडर हैंडेड है, यानी किसी भी चीज से वो अलग नहीं होता, यानी ही कैन हैंडल एवरी सिचुएशन इजली, सो ही विल बी एम्बीडेक्स्ट्रस, ही कैन यूज हिज बोथ हैंड, सो दैट इज अंडर हैंडेड, ओके। लास्ट वन इज हियर स्किलफुल, स्किल मीन्स योग्य और फुल मीन्स भरा, ऐसा बंदा जो योग्यताओं से भरा होता है उसे स्किलफुल कहा गया। तो बच्चे फिर एक बार बता दे रहा हूँ, एम्बीडेक्स्ट्रस आपके वन वर्ड सब्जेक्शन में देगा, वन वर्ड सब्जेक्शन